आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज वल्केनाइजेशन फॉर द रबर। हमें मेन पर्पस बताना है कि वल्केनाइजेशन हम करते हैं। तो देखो, जो वल्केनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल रबर या हमारे क्या हो उससे रिलेटेड पॉलीमर्स हो, तो क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू मोर ड्यूरेबल मतलब इसकी लाइफ लॉन्ग हो मटेरियल्स में। और अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसे तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो कन्वर्ट कैसे हो रहा है, इसमें हम एडिशन करते हैं किसका, सल्फर का, बाय द एडिशन ऑफ दिस सल्फर। और भी एक्सेलरेटर्स होते हैं बट मेनली हम क्या करते हैं, सल्फर ऐड करते हैं इसके, ठीक है। और ऐसा हमें नीड क्यों हुई, क्योंकि जो हमारी नेचुरल रबर होती है, ठीक है, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैं आपको बात करूं, जो मेरी नेचुरल रबर है वो क्या होते हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो वो सॉफ्ट होती है, वो बहुत ही स्टिकी नेचर होती है रूम टेम्परेचर पे, और अगर उसका टेम्परेचर हाई हो, लेट सपोज 335 केल्विन से ज़्यादा, तो उसकी सॉफ्टनेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और मैं बोलूँ लो टेम्परेचर अगर लो लेस देन 283 केल्विन हो, तो वो ब्रिटल नेचर शो करती है। तो हमारे लिए दोनों ही डिसएडवांटेजेस हैं। और ये क्या करती है, ये नेचुरल रबर, इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होती है और लो रेजिस्टेंस होती है। ये सॉल्युबल ही हो जाती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल हो जाती है, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी। तो ये सारे ड्रॉबैक्स को हम इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल रबर को वल्केनाइज करते हैं, हम इसमें सल्फर ऐड करते हैं, सल्फर या कोई भी एडिटिव, और उसको हीट करते हैं इन बिटवीन द टेम्परेचर 373 केल्विन एंड 415 केल्विन के बीच में हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशन हो गया सल्फर का इन बिटवीन द बॉन्ड्स, तो ये हमारा वल्केनाइजेशन होता है। सल्फर की रिएक्शन के साथ क्या हुआ, अगर यहाँ पे हुआ तो इसके वजह से हमारी हो गई है क्रॉस लिंकिंग। क्या हो गई है यहाँ पे, क्रॉस लिंकिंग। और किसकी क्रॉस लिंकिंग हुई है, हमारी पॉलीमर चेन की थ्रू द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना, आपको क्लियरली दिख रहा है इमेज में, जिसके वजह से क्या होता है, अब हमारी जो इंडिविजुअल चेन्स है वो एंटेंगल हो गई है और एक ये जाइंट मॉलिक्यूल बन गया। जाइंट मॉलिक्यूल मतलब एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, जिसके वजह से जो ये क्रॉस लिंकिंग है ये प्रिवेंट करती है कि जो हमारा पॉलीमर है वो टॉर्न ना हो, टॉर्न मतलब टूट ना जाए, TORN, ठीक है ना। तो जब भी हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो टर्न ना हो, तो इससे इसके क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो गया। तो जो वल्केनाइज रबर होती है हमारी, वो क्या शो करती है, एक तो एक्सीलेंट इलास्टिसिटी और लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, और इसका रेजिस्टेंस होता है ऑक्सीडेशन के लिए भी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, वल्केनाइज रबर की। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।